चैन लगाने का सही तरीका क्या है? गलत तरीका से चैन लगाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अष्टोस वाला में। आज हम लोग जानेंगे सही तरीका से चैनसो मशीन में चैन कैसे लगाते हैं। चैनसो मशीन में चैन लगाने का सही तरीका क्या है? देखिए, ये जो है ये है ब्लेड एडजस्टिंग। इसके थ्रू चैन को आगे पीछे कर सकते हैं, चैन को टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइट करेंगे वैसे वैसे टाइट होगा और लूज होगा। अपने अनुसार बार गार्ड को आगे पीछे कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। चैन का जो रिक्वायरमेंट है, जितना उसको लूज चाहिए उतना आप छोड़ सकते हैं। तो ये जो चैन है ये अग्नि कंपनी का है और ये मशीन भी अग्नि कंपनी का है। तो इसको पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मशीन ओके है। जनरली नया मशीन ओके ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो ये है इसको बैठाने का तरीका, इसको बैठाएंगे, इसका जो हॉल है वो हॉल को चैन एडजस्टिंग पॉइंट में सेंटर में मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसको टाइट करना है। तो अभी पहले देखते हैं कि चैन कैसे लगाते हैं हम लोग। देखिए, ये जनरली जो मार्किंग दिख रहा है आपको, चैन लगाने का तरीका है और रोटेशन है। बहुत सारे बार गार्ड में नहीं होता है या बहुत सारी कंपनियां में नहीं होता है, इसमें है। तो इसमें है तो इसके लिए बहुत इजी है, लेकिन जनरली बहुत सारे में नहीं होता है तो टफ है। तो अगर बाय चांस नहीं रहेगा तो कैसे लगाएंगे? तो आइए उसी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे लगाएंगे। देखिए, ये जो चैन देख रहे हैं आप, इस चैन को अगर इस तरह से बिठाएंगे तो ये रॉन्ग है। इससे क्या होगा कि चैन में धुआं आएगा और धार काटेगा नहीं, मशीन में लोड भी पड़ेगा, मशीन भी खराब होगा, लकड़ी भी खराब होगा, चैन भी खराब होगा, सब कुछ खराब होगा। तो अब देखिए, ये जो बैठा रहे हैं ये तरीका राइट है। इसका जो पॉइंट है पॉइंट के पास रखेंगे और फिर देखेंगे कि आपका जो चैन है वो पॉइंट के ठीक जैसा है। अगर है तो वापस उसको बार गार्ड में लगा देंगे और लगाने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन यह है कि इसमें तो मार्किंग है तो आप आराम से इस स्टेप को फॉलो करके काम कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मार्किंग नहीं होता है उसमें कैसे करेंगे? तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और उसके बाद हम आपको समझाते हैं आगे। देखिए, ये जो है ना, ये टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है, इसको भी चेक करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो फिर चैन उसमें रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं। तो इस नट की मदद से चैन को लूज और टाइट कर सकते हैं और उसमें चेक भी कर सकते हैं कितना टाइट है, कितना लूज है। जैसे जैसे आप इसको टाइट करेंगे वैसे वैसे टाइट होगा, जैसे जैसे लूज करेंगे वैसे वैसे चैन लूज होगा। इसी तरह नट की मदद से इसको चैन को अच्छे से सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद पूरा कवर लगाएंगे। पहले चैन को सेट कर लेते हैं अच्छे से प्रॉपर, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अभी ओके है तो इसका फाइनल कवर लगाने के बाद फिर हम लोग चैन को टाइट करेंगे। अभी इसका कवर लगा रहे हैं, दोनों नट को टाइट करना है, बट फुल टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फुल टाइट कर देंगे तो फिर से वापस ढीला करना पड़ेगा चैन को टाइट और लूज करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा चैन टाइट हो जाएगा तो फिर लूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर वापस से खोलना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे इस चैन को चेक कर रहे हैं, देखिए चैन बहुत लूज है। इसको इस नट की मदद से चैन को थोड़ा सा टाइट कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर चैन उसमें घूमेगा नहीं। घूमने के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से इजी मूव कर सके, ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। ज़्यादा अगर लूज होगा तो फिर चैन छटक जाएगा, बार गार्ड से बाहर निकलने का खतरा है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। और बहुत टाइट होगा तो वो बार गार्ड कट जाएगा, जल जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अभी टाइट हो गया है, अब इसको चालू करके देखते हैं। हाँ, ये एकदम परफेक्ट है, चैन एकदम 00 टाइट है, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा टाइट है। अब इसको समझते हैं। देखिए, चैन तो बार गार्ड में घूम रहा है और चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ये। अगर ये ऐसे चलेगा तो चैन बहुत जल्दी ख़राब होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये देखिए, ये जो है ये मोबिल टैंक है, इसमें मोबिल डालना है, अच्छा मोबिल, जो अच्छी क्वालिटी का मोबिल है। अगर आप वो डालते हैं तो इसमें ब्लेड का लाइफ भी बढ़ जाता है और बार गार्ड में वो मोबिल स्लिप करेगा अच्छे से। जितना चिकनाहट होगा उतना मशीन का भी लाइफ होगा, बार गार्ड का भी लाइफ होगा और चैन का भी लाइफ होगा। और
और ये देखिए ये जो कैप है, इस कैप के नीचे वो प्लास्टिक का टैंक है, तो हिसाब से ही काम करना है। और ये उसका स्विच है, जैसे प्रेस करेंगे वैसे ही तेल छोड़ेगा। और ये ट्रिगर स्विच है, इससे मशीन ऑन ऑफ होता है। और ये जो लाल देख रहे हैं पुश वाला, जो थंब से पुश कर रहे हैं, ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। इसको पुश करने के बाद ही स्विच प्रेस होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो वो स्विच लॉक रहेगा, तो पहले आपको थंब से उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रिगर को दबाना पड़ेगा, तभी जा करके मशीन ऑन होगा। इस चाइल्ड सेफ्टी लॉक बच्चे को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत डेंजर मशीन होता है, अगर कोई भी इसी तरह दाब दिया और ऑन हो गया तो खतरा हो सकता है, इसीलिए कोई जानकार आदमी ही इसको ऑन कर सकता है। तो उसके लिए देखिए ये जो स्विच है ना, इसको डायरेक्ट ऑन करने से नहीं चलेगा, ये थंब से दबाएं उसके बाद पुश करेंगे तो ऑन होगा। अब देखिए क्या है, अब जो है ना हम हाथ जहाँ पकड़ते हैं उसके सामने भी सेफ्टी देते हैं कंपनी, क्योंकि चैन उन बाय चांस टूट गया या आपका हाथ स्लिप करके आगे नहीं जाए, इसलिए हैंड गार्ड मिलता है। ये जस्ट हैंडल के बगल में लगता है और आपका हैंड क्या सेफ्टी के लिए रहता है, बाय चांस आपका हाथ स्लिप स्लिप भी करेगा तो वो आगे तरफ नहीं जाएगा, या चैन इधर उधर होगा तो भी आपका पीछे नहीं आएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इसमें दो स्क्रू होता है, दो स्क्रू की मदद से वो सेफ्टी गार्ड को टाइट कर लेंगे और टाइट हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट आपका जो मशीन है एकदम सेफ हो जाएगा और सेफ्टली आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको टाइट करते हैं दोनों स्क्रू को, और उसके बाद देखते हैं कि वो कैसा टाइट होता है। और टाइट जब हो जाएगा तब फिर से एक बार हम लोग ऑन करके देखेंगे मशीन को, कि मशीन कैसे चलता है और ट्रिगर से हम लोग कैसे दबा सकते हैं मशीन को। और बहुत ही इजी है, अगर आप देखिए ये जो है ना टाइट हो गया, अब ये सेफ हो गया। अभी देखिए हाथ वो उधर जाएगा ही नहीं और इधर से हाथ आएगा ही नहीं, एकदम बहुत सॉलिड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।